गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बी एस सी सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है तो अपन आज डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं अपन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वोल्व डेरिवेटिव वन और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर देन इन वेरिएबल को क्या कहते है hmm. हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें द इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो डेरिवेटिव हो वन और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरीवेटिव अर्थात डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स एक एक से ज़्यादा और वन और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो ठीक है तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह है ये देखो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स यानी इसमें क्या है इसमें है देखो वाई है वो वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है दूसरा एग्जाम्पल है डी टू वाई बाई डी एक्स इसका प्लस टू डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू ई जेड माइनस साइन वाई अब इसमें देखो इसमें y और जो z है जैसे कोई भी यदि डेरिवेटिव dy वाई बाई दे रखा हो तो उसमें y का है वो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब इसमें इस इक्वेशन में वाई और जेड क्या है इन वेरिएबल है और अक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसमें क्या हो गए टू इन टू डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और वन क्या हो गया इनडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ठीक है और एक एग्जांपल तीसरा एग्जांपल है डेल टू जेड बाई डेलक्स स्क्वायर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं उसको तो आगे आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में डेल टू जेड बाई डेलक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड एक्स डेल वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इसमें ये वन डिपेंडेंट वेरिएबल है और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है अक्सर वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड है जेड इज डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई जेड है डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होगी अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन के बारे में अपन मेथड्स पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं इक्वेशन इन्वॉल्व वन और मोर देन एडिफरेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इसमें क्या होता है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो आगे है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें एक से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसका एक एग्जाम्पल है ये रहा वाई डीवाई बाई डी प्लस ई की पर वाई इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, है इसमें वाई है वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और अक्सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है ये एक एग्जाम्पल है डी टू वाई बाई डी एक्स उसका प्लस जेड डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है अब किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है उसमें जो हाईएस्ट पावर है डेरिवेटिव की वो ही उसकी क्या हो जाता है ऑर्डर हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे इसमें देखो ये डी वाई बाई डी एक्स टू बाई थ्री इक्वल टू वाई इसमें देखो हाईस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव कितना है डी वाई बाई डी एक्स है डी वाई बाई डी एक्स है हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव तो इसका ऑर्डर क्या हो गया वन हो गया अगर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता तो दो बार डेरिवेटिव हो रखा है हाईएस्ट ऑर्डर तो दो ऑर्डर हो जाता है इसका ठीक है तो इसका ऑर्डर एक हो गया अब डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव है उसका एक्सपोनेंट कितना है उसका पावर कितना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव है उसका पावर है कितना है वही उसका डिग्री हो जाती है द हाइस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अक्रिंग इन द दिन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अक्रिंग इन द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अब इसमें थोड़ा सा ये है कि जो कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी अपने को डिग्री निकालनी है तो उसको फ्री फ्रामी रेडिकल करना पड़ेगा सबसे पहले यानी उसकी जो परी में यदि पावर यदि वन बाई टू वन बाई थ्री इस टाइप की और पावर हो तो उसको अपने को फ्री फ्रॉम रेडिकल करना पड़ेगा उसको एंड और ट्रांसीडेंटल फंक्सन दे रखे हो ट्रांसीडेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन मतलब साइनक्स है कोशक्स है एज ओनली डेरिवेटिव आर कंसर्न ठीक है को क्या की की उसको क्या करेंगे अपन साइनक्स कोस इस टाइप की देर क्यों उसको क्या करेंगे अपन ओनली डेरिवेटिव आर कंसर्न ठीक है जैसे एग्जांपल है इसका एक फ्री फ्रॉम रेडिकल को फ्रैक्शन है उसको परी में उसको हटा देंगे बाद में जो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर निकालेंगे और डिग्री निकालेंगे अब ये एग्जांपल है इसमें वाई की पावर टू बाई थ्री वाई की पावर टू बाई थ्री डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर थ्री बाई टू अब इसकी देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसका हाईएस्ट है डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स है तो इसकी डिग्री क्या होगी इसकी इसकी डिग्री क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालेंगे अपन निकाल लेते हैं इसकी डिग्री एक हो गई इसकी डिग्री एक है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन है तो वन की पावर डिवाइड बाय डी एक्स क्या है इसका डीवाई डी एक्स है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें है तो इसकी पावर, है तो इसकी पावर कितनी है, है, वन तो इसकी डिग्री कितनी हो गई वन दूसरा एग्जाम्पल है डीवाई बाई डी एक्स की पावर तीन बटा दो इक्वल टू तो वाई की पावर वन बाई टू वन प्लस वाई स्क्वायर अब देखो इसमें क्योंकि अब इसका हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डीवाई बाई डी है लेकिन इसकी पावर है वो तीन बटा दो है परी में है तो इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल बनाने के लिए इसको स्क्वायर कर देते दोनों तरफ तो डीवाई बाई की पावर तीन इक्वल टू वाई पावर वन बाई टू वन प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो इसकी डिग्री कितनी हो गई तीन हो गई ना इसकी डिग्री ठीक है डिग्री तीन हो गई इसकी क्योंकि हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव कितना है डीवाई डी एक्स उसकी पावर कितनी है तीन है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई तीन ठीक है अब देखो यहाँ पर एक साइनक्स डीवाई बाई डी इक्वल टू एक्स है अब इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री है वो डिफाइन नहीं है एक्स इज एक्स है क्योंकि ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गया इस इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है इसका ऑर्डर तो कितना है वन है क्योंकि हाइस्ट तो डेरेवेटिव पावर कितनी हाइस्ट और क्या है डीवाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव एक बार ही तो हो रहा है तो इसका ऑर्डर तो एक हो गया है लेकिन इसकी डिग्री इधर नॉट डिफाइन है क्योंकि जो साइन एक्स है वो फंक्शन है वो वन वन नहीं होता है इसलिए अपने साइन एक्स को इसको इधर नहीं ले ला सकते डीवाई बाई सा नहीं लिख सकते अगर यदि डीवाई बाई डी एक्स की यदि रेंज माइनस फाइव बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में होती तो इसकी ऑर्डर भी एक हो जाता और डिग्री भी एक हो जाती ठीक है अब देखो आगे अब एक दूसरे प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक अपने पास ये है इंटर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसमें इंटीग्रल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जैसे डी वाई डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी टी तो इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं उसको तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे डिग्री ऑर्डर तो उसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएसन कर देंगे तो इसका मैंने डिफेंस कर दिया तो एक बार क्या है इसका क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करती है इसका कर दिया तो क्या आ गया डी टू वाई बाई डी एक्सर प्लस वाई एक्स इंटीग्रेशन और डिफेंसन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो डी वाई तो वाई एक्स आ गया इक्वल टू वन तो डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन तो इसकी डिग्री हाइस्ट ऑर्डर डेरेवेटिव कितना है दो है तो ऑर्डर तो दो हो गया डिग्री एक हो गई ठीक है ये है हो गया ऑर्डर दो हो गया डिग्री एक होगी क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इसकी पावर कितनी है वन है और दो बार डेरीवेटिव हाइएस्ट ऑर्डर तो इसकी ऑर्डर दो हो गया डिग्री एक हो गई सिमिलरली एग्जाम्पल और है इसका डी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर थ्री प्लस डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई तो इसकी डिग्री कितनी होगी कितनी डी टू वाई बाई डी स्क्वायर तीन हो गई डिग्री किसकी हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव कितना है दो है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई तीन हो गई अब देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट किसी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो उसमें ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करता है और उसकी जो डिग्री है वो मे और मे नॉट वे एग्जिस्ट डिग्री एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है ठीक है जैसे हमने एग्जाम वो एग्जाम्पल देखा था साइन एक्स वाला उसमें डिग्री डिफाइन नहीं है और ऑर्डर तो एक था उसका अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे ऑर्डनर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली उसकी डिग्री और ऑर्डर के बारे में देख लिया अब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये लीनियर ए ऑर्नर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी ऑर्डनर डिफ्रेंशियलियलियक्वेशन लीनियर कब कहलाएगी क्या दो बातें हैं उसमें पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी वन जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो क्या होना चाहिए डेरिवेटिव और डिपेंडेंट जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, है वाई है वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और डी वाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव है तो वाई स्क्वायर वाले टर्म नहीं होने चाहिए उसमें डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाले टर्म नहीं होने चाहिए वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एंड दियर डेरिवेटिव वाई इंटू जैसे ये टर्म नहीं होने चाहिए उसमें क्या कौन से टर्म नहीं होने चाहिए ये वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म नहीं होने चाहिए लेने डिफरेंशियल ये वाले टर्म होंगे तो वो लीन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी और क्या नहीं होना चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म नहीं होने चाहिए वाई इंटू जेन डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई स्क्वायर वाले टर्म नहीं होने चाहिए तो वो लीनियर नहीं कहलाएगी तो ये वाले टर्म नहीं हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी लीन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी सेकेंड अदरवाइज इस ये वाले अदरवाइज इस कार्ड लोन डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है Lonely अब ये वाई इंटू डी वाई बाई वाले टर्म हो तो वो लोनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लाइए अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर कैन बी द फॉर्म कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डर एन को किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन इस प्रकार से एक्सप्रेस होगी वो एनोटक्स डी एन वाई डी एक्स राइट एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरल फॉर्म है इसका प्लस एनोटक्स डी एन माइनस वन वाई एन एन माइनस वन डेरेवेटिव प्लस ए टू एक्स डी एन माइनस टू वाई डी एक्स टू पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन एक्स डी एक्स प्लस ए एन एक्स इक्वल टू एफ ओ एक्स जहाँ एन ओ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो अब हम मान लेते हैं कि जो अब जो डेरिवेटिव है डी एन बाई डी एन से लेकर एन माइनस वन उसको डी मान लिया मैंने डी एन डी एन माइनस वन इस टाइप से लिख सकते हैं उसको डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स एन ओ टक्स नॉट इक्वल टू जीरो अब अब इस पूरे को क्या मान लिया मैंने एक ऑपरेटर मान लिया एल एल को क्या मान लिया ए नोट एक्स डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन एक्स प्लस ए नोटोट एन माइनस डी प्लस एन एक्स एल मान लिया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं अपन इस प्रकार से एल वाई इक्वल टू एफ ओ पक्स ठीक है एल क्या है ऑपरेटर है क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो लीनियर हो तो क्या होता है लीनर हो तो एल of वाई सी वाई वन एक्स प्लस वाई टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू जो c है कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और एल वाई वन एक्स प्लस एल वाई टू एक्स कोई भी यदि लिनर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये ये इस टाइप से हो जाएगा जब जैसे एक एग्जांपल है ये दे रखा है एग्जांपल दे रखा है इसने वाई इंटू डी टू वाई बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स ये कौन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्यों है क्योंकि इसमें देखो वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले टर्म आ गए तो ये टर्म नहीं आने चाहिए हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये टर्म होंगे ये टर्म नहीं आने चाहिए तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सेकेंड वाले देखो अक्सर सेकेंड वाले एक एग्जाम्पल है एक्सरेस्ट पॉर हंड्रेड डी टू तो वाई बाई डी प्लस वाई टू तो ये यी डिफरेंशियल इक्वेशन है सब पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करती है अब डी टू वाई बाई डी प्लस जेड तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी क्या है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और डी टू वाई बाई ड स्क्वार प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू की पावर एक्स है ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल क्योंकि वाई एंड जेड आर फंक्शन ऑफ एक्स क्योंकि वाई और जेड है फंक्शन है एक्स के ठीक है ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है तो इस प्रकार से अपन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लीनियटी और नॉन लिनियरटी चेक कर सकते हैं ये डिफिनेशन है इसको याद रखेंगे क्या करेंगे इस पे क्या होना चाहिए पावर ऑफ डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी वन पावर ऑफ डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी घात है वो एक होनी चाहिए और इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी लीनियर कहलाएगी अदरवाइज नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थैंक यू अगले लेक्चर में अपन सोल्यूशन लीनियर जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सोल्यूशन के बारे में देखेंगे धन्यवाद